कोई राज्य प्राप्ति से सुख मानता है, यह उसकी महाभूल है। राजा यानी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। जैसे 4-5 सदस्यों के परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रबंध में कितना परेशान रहता है, राजा तो एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसके प्रबंध में सुख स्वप्न में भी नहीं होता। राजा लोग शराब पीकर कुछ गम भुलाते हैं, माया इकट्ठा करने के लिए जनता से कर यानी टैक्स लेते हैं, फिर अगले जन्मों में जो राजा सत्य भक्ति नहीं करते, पशु योनियों को प्राप्त होकर प्रत्येक व्यक्ति से वसूले कर यानी टैक्स को उनके पशु बनकर लौटाते हैं। जो व्यक्ति मनमुखी होकर तथा झूठे गुरुओं से दीक्षित होकर भक्ति तथा धर्म करते हैं, वे सोचते हैं कि भविष्य में सुख होगा, लेकिन इसके विपरीत दुख ही प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान ऐसा है कि यदि ज्ञानी पुरुष होगा तो इस